हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया हैं। सो गाइस, आज हरी छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को। तो आप लोग हरी छठ कैसे बनाते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। हम लोग जैसे मतलब यहाँ पे बनाते, तो यहाँ पे मैं मायके में हूँ, तो आज का ब्लॉग जो है ना छठ पूजा का होने वाला है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अगर पसंद आए थोड़ा भी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यहाँ पे मैं सागर बना रही हूँ। जैसे ना कि गांव में जिनके यहाँ अगर मिट्टी का घर है, आई मीन आंगन वगैरह, तो मतलब उसको थोड़ा सा होल करके फिर कर दिया जाता है। जिनके पास नहीं तो उन मिट्टी पे, यहाँ पर टाइल्स पे हैं, तो यहाँ पे यहीं पर बना लिया जाता है। उसके बाद मम्मी को थोड़ा कलर वगैरह सब लोग को, मतलब आंटी और मम्मी को लगा रहे थे। इधर आराध्या नेल पेंट वगैरह भी लगा रही थी, और क्योंकि ना यहाँ पे पूरा सिंगार वगैरह करने के बाद मतलब पूजा वगैरह होता है, कलर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जिनके साथ लड़के होते हैं वही ये हल छठ व्रत रहते हैं, जिनके नहीं रहते। वैसे कई जगह तो ऐसा होता है कि जिनके लड़कियाँ भी होती हैं वो भी रहते हैं। वैसे तो प्रसाद हम लोग भी खाते हैं, प्रसाद तो सब मतलब सब खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ बस वही खा सकते हैं जो जिनका व्रत है। तो अगर छोटे बेबी वगैरह होते हैं तो बहुत अच्छे से मतलब छठ जो फर्स्ट छल छठ होती है ना, छठियाते हैं, तो यहाँ पे ये सब हो गया है। और यहाँ पे मम्मी पूजा वगैरह भी कर रही थी। और यहाँ पे दोना जो है ना, उसका महुए का जो पेड़ होता है, महुए और तिन्नी का इसमें पूजा ही होता है, पत्ते का दोना बना के। और मम्मी यहाँ पे दही इसमें मिलाई है और महुआ मिला के और तिन्नी का चावल, तीन चीज़ें मिला के और यहाँ पे पत्ते पे रख दे रही हैं। यहाँ पे धूप अगरबत्ती वगैरह जो भी जैसे पूजा होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने ना मिट्टी बालू थोड़ा सा ना छोटी बाल्टी में रख के फिर उसको अच्छे से बांध दिया था उसके अंदर घुसा के। और इसका महुए का जो थोड़ी सी डाल होती है वो भी इसमें, क्योंकि यही मेन होता है कुश की पूजा होती है बच्चों के, क्योंकि सीता जी ने शायद कुछ ऐसा कुछ हुआ था तब यहाँ पे ये वाला छठ हल छठ पूजा स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे फुल तैयारी हो गई है, पूजा पाठ मतलब मम्मी कर चुकी हैं, मत्था टेक रही हैं। अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जो सागर मैंने मिट्टी का बनाया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक साइड में दूध रहता है, एक साइड में मतलब कच्चा दूध भैंस का रहता है। गाँव में होता है ना कि भैंस की घी की पूड़ी बनती है और वही यूज ही करते हैं, गाय का दूध वगैरह नहीं करते। पता नहीं ऐसा कुछ है यहाँ का रिवाज, गाँव का भी है शहरों में, लेकिन शहर में नहीं मिल पाता, तो पैकेट का ही हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मम्मी मेरी व्रत रहती हैं सासुआ, तो पैकेट का ही यूज़ करती हैं, गांव में रहती हैं तो वहाँ वहाँ के तरीके, और सिटी में रहते हैं सिटी के तरीके, तो यहाँ पे जोटा लगा के पूड़ी वगैरह भी हम लोग यहाँ रखते हैं। और यहाँ मतलब धूप बत्ती अगरबत्ती ये सब होगा, और एक में हल्दी सागर में, एक लंग मतलब एक साइड में दूध रहता है कच्चा दूध भैंस का, और एक साइड में हल्दी और पानी रहता है। और इसके बाद होम वगैरह होता है, कंडी का मतलब आग सुलगा के होता है हम लोग के यहाँ, और गाँव में भी होता है सिटी में भी अक्सर सब जगह हो। तो जब ये इकट्ठे मतलब सारी लेडीजें रहती कई लोग मिलके, तो और अच्छा लगता है सब एकदम तैयारी से। यहाँ पे देखिए दोना वगैरह साइड में लग चुका है। तो प्लीज़ अभी मैं मायके में हूँ, तो आवाज़ वॉइस शो कर रही हूँ, तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, तो इसके लिए माइंड ना करिएगा आप लोग, क्योंकि मैं रात में कर रही हूँ फिर भी आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है, तो इसके लिए सॉरी। ये सब सारा होने के बाद और यहाँ पे छठ मतलब छठ जो हल छठ की माता की यहाँ पे पूजा भी होता है, उसके बाद गाना वाना भी गाते हैं। तो गाना वाना यहाँ पे नहीं गाया गया था मेरे यहाँ, मतलब नहीं हुआ था, चाचा जी के यहाँ हुआ था, लेकिन एक्चुअली क्या मेरा फ़ोन थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया था, तो इस वजह से मैं बना नहीं पाई, वीडियो नहीं मैं आप लोग को दिखाती। और यहाँ पर पूजा वगैरह करने के बाद मम्मी यहाँ पर गांठ बांधती है मेरी अंडी, और यहाँ पे सब कहते हैं ना, यहाँ पे नहीं हर जगह होता, जो जोता बोया जाता है ना, जो खेत में होता है वो चीज़ें नहीं खाना है। तो तिन्नी का चावल शायद तालाब वगैरह में होता है, तो वो इसे भी खा सकते हैं, भैंस का दूध का दही ये सब यूज कर सकते हैं, चीनी कुछ भी नहीं, मतलब चाय पत्ती चीनी ये सब कुछ भी नहीं खा सकते हैं, सिर्फ तिन्नी का चावल ही, नमक नमक क्योंकि बोया जाता जाता ही नहीं, तो नमक वगैरह खा सकती हैं। और यहाँ पर मम्मी मतलब कर चुकी हैं गांठ वगैरह, अब यहाँ कपड़े वगैरह से अच्छे से इसको मतलब नया कपड़ा हो या साड़ी वगैरह हो कुछ, यहाँ पे मतलब इसको उड़ा दिया जाता है छठ माता को। यहाँ पे मम्मी बिंदी उंदी भी लगाती हैं, लेकिन शायद वो शायद वीडियो मेरे पास मैं ले नहीं पाई या कुछ और काम करने लगी, तो यहाँ पे वो नहीं हो पाया। और यहाँ पे थोड़ा सा सॉन्ग आप लोग सुन लीजिए, यहाँ पे अभी मम्मी मतलब फेरी वगैरह भी लगाती हैं, तो वो मैंने सूट ही नहीं किया क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग नहीं करना चाह रही थी, बहुत छोटा ही मैं बनाऊंगी आप लोग, क्योंकि आप लोग इतना कीमती वक्त हम लोग के लिए निकाल, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। तो प्लीज़ ऐसे ही देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए, और मुझे
कमेंट सेक्शन में कमेंट। यहाँ पे पूजा वगैरह हो चुका है और यहाँ पे छठी माता आंटी यहाँ पे छुहारे की चाय बना रही है। ये देखो छठी माता पटने न पाए, वो कह रही छठी माता पटने न पाए। और ये लोग प्रसाद वगैरह खा ली है, पूजा वगैरह सब कुछ हो गया। तो छुहारे बहुत से लोग छुहारे की चाय पीते हैं और बहुत से मोहे वगैरह उबाल उबाल के पीते हैं क्योंकि इसमें चाय वाय पिया नहीं जाता। तो ये देखिए आंटी मेरी बना रही है क्या। हाँ ठीक है, गैस नहीं करो टाइम लगता है। ये देखिए आंटी का मेरा। तो अभी ये लोग चाय वाय बनाएंगे। आज हम लोग के यहाँ मतलब छोटे चाचा जी के यहाँ छठ का पूजा वगैरह होगा। सबके यहाँ ऐसा होता है लेकिन छठिया जाता है जो बच्चे हुए होते हैं एक साल के अंदर नहीं, साल एक साल के जो बेबी होते हैं उनका मतलब। तो यहाँ पर मैंने गाय को खिला दिया और यहाँ पे खुद खा रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग भी खा लीजिएगा।